कैसे हैं दोस्त। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अली और आप देख रहे हैं ARPOP डिजाइन। तो आज मैं आपको एक नई डिजाइन समझाऊंगा। आप ये स्क्रीन पे ये दो हाफ सर्कल देख पा रहे हैं, तो इसको मैं ड्राइंग करूंगा, ठीक है, और एक नया सा डिजाइन बना करके आपको दिखाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं आपके लिए ड्राइंग करता हूँ एक नई डिजाइन। और इस चैनल पर बने रहें लास्ट तक इस वीडियो में, और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। तो एक बात इसमें समझ लीजिए आप, ठीक है, मैं पहले आपको ये समझा देना चाहता हूँ, उसके बाद आप इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। समझना सबसे ज़रूरी होता है कोई भी डिज़ाइन को, ठीक है। मैं छोटे पेपर पे इसको ड्राइंग करता हूँ, तो आप लोग ये सोचते होंगे कि ये छोटे पेपर बना हुआ है, जब इसको हम बड़ा बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ठीक है। तो ऐसा बात नहीं है, आप जितना भी बड़ा बनाना चाहते हैं आप उसे इस तरीके से बना सकते हैं, जो तरीका मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सिंपल सा एक रूम का साइज नॉर्मली 12 फीट का होता है, तो आप उसी में बनाएंगे। अगर बीच में इसको बनाते हैं तो 6 फीट 7 फीट में भी आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर ये ज़्यादातर इसको नीचे ही काट करके फिर उसको ऊपर लगाया जाएगा, ठीक है, तो इसकी साइज की कोई दिक्कत नहीं, आप जितना बड़ा बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको ड्राइंग करते हैं, मैंने इतनी बातें आपको समझा दिया है। ड्राइंग करने का तरीका क्या है, देख लीजिए, ये सेंटर है और सेंटर से मैंने क्या किया, 6-7 इंच इधर लेकर के, ठीक है, पहले एक सर्कल मैंने घुमाया इसको, ठीक है, हाफ सर्कल, जैसे यहाँ से मैंने हाफ सर्कल घुमाया, ठीक है, देख लीजिए ऐसे। फिर क्या किया, यहाँ से इस मार्किंग से 1 फीट हमने इधर आगे बढ़ा लिया। अब अगर आप बनाएंगे 6 फीट में, ठीक है, तो ये चीज़ आपका और 1 फीट से कम हो जाएगा, ठीक है, तकरीबन 4-5 से 6 इंच आपका जगह यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बहरहाल आप 1 फीट रख कर भी देख सकते हैं जब बनाने की कोशिश करेंगे इसको, ठीक है। तो ये मार्किंग हमने यहाँ से किया, उसके बाद क्या किया, यहाँ पर आएंगे, ठीक है, और इस वाले मार्किंग पर उसी फर्मे से, ठीक है, देखना कि हमारा ये मार्किंग यहाँ से कहाँ आ रहा है। जैसे हमने इसको यहाँ से 1 फीट सरकाया, तो इसी मार्किंग से 1 फीट इसको कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से रख करके हम इसको घुमा देंगे, ठीक है, देख लीजिए ऐसे, ठीक है। अब यहाँ तक तो हम समझ लिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या समझना हमको, कि यहाँ पे ये जगह हमने 1 फीट रखा हुआ है, ठीक है। आप अपने साइज के अनुसार 8 इंच 6 इंच 1 फीट 1.5 फीट जितना भी बड़ा बनाना चाहेंगे, ठीक है, आप उसको रख सकते हैं। ये नॉर्मली आपका 12 फीट के रूम में आसानी से बन जाएगा, अगर 1 फीट रख करके बनाते हैं तब, ठीक है। 1 फीट का हमने मार्किंग यहाँ पर लिया, तकरीबन यहाँ से हमने मार्किंग कर दिया, ठीक है, 1 फीट का साइज रख के। उसके बाद यहाँ से जो 1 फीट का हमारा ये जो मार्किंग किया है, अब इसी वाले फर्मे से यहाँ पे इसी लाइन पर आएंगे और ये फर्मा यहाँ पे मिलाएंगे सर्कल पे, ठीक है। तो देखेंगे हमारी मार्किंग कहाँ जा रही है, ठीक है, देख लीजिए ऐसे। तो इसको क्या करेंगे, ऐसे हम घुमा देंगे, देख लीजिए अब हमारी मार्किंग यहाँ मिल गई। अब यहाँ से 1 फीट हम आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है, देख लीजिए। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे आएंगे जो पॉइंट हमारा लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, अब इस वाले फर्मे से, और इसको क्या करेंगे, ऐसे हम मार्किंग करेंगे कहाँ तक, इस वाले सर्कल तक, ऐसे देख लीजिए, ठीक है, इस तरीके से। ये आप एक तरफ समझ लीजिए, उधर भी सेम अपोजिट उसके उसी तरीके से मार्किंग किया जाएगा, ठीक है। ये मार्किंग हमारी हो गई, इस मार्किंग को थोड़ा हम यहाँ तक बढ़ा लेंगे, ऐसे यहाँ तक, ठीक है, देख लीजिए। अब क्या करेंगे कि इसका और इसका हम सेंटर निकाल लेंगे, तो सेंटर तकरीबन हमारा यहाँ पे आएगा इसी वाले मार्किंग के पास, ठीक है। अब यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे मिलाएंगे, देख लीजिए, और क्या करेंगे हम, इसको ऐसे मार्किंग कर देंगे हम यहाँ तक, ऐसे, ठीक है। और ये वाली जो मार्किंग हमारी है, ये हमारी पूरी यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है, देख लीजिए ऐसे, इस पे मिला देंगे। अब ये वाला हमारे यहाँ पे ऐसे ये कट जाएगा इतना, ठीक है, देख लीजिए। बहरहाल अभी इसको मैं मोटा कर दूंगा पेंसिल से, तो आप आसानी से समझ जाएंगे। अब एक तरफ मैंने इसको बना लिया, अब उसी तरीके से इधर भी बना लेना है आपको, ठीक है। तो देख लीजिए ये डिजाइन हमारी बन गई, ठीक है, बहुत आसान है इसको बनाना, कोई दिक्कत नहीं है।
ये वाला अब हम हटा लेंगे ये चोंच, ठीक है, आपकी यहाँ तक ये बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपका कितना जगह बचेगा, तकरीबन यहाँ पे 4 से 5 इंच आपका, 4 इंच तकरीबन यहाँ पे आपका ये जगह आएगा, ठीक है, ये वाला जगह। अगर इसको और चौड़ा करना चाहते हैं तो इसी चीज को क्या करेंगे कि हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा करके ये वाला यहाँ से, ठीक है, और इसी सेंटर पर से मिला करके ऐसे यहाँ से थोड़ा सा इधर, ठीक है, और इसको थोड़ा सा और चौड़ा कर लेंगे, देख लीजिए ऐसे, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा और चौड़ा हमारा मिल गया। बहरहाल आप इसे किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं, जो हमारा साइज है उसी को रखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस डिजाइन को हम बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम मोटा कर देते हैं तो आप आसानी से इसे समझ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्त, ये डिजाइन हमारी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे आप ये कैंसिल लाइट रख सकते हैं इधर बाहर, ठीक है, ऐसे, ठीक है, देख लीजिए। आप इसे चाहे प्लस माइनस भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सिर्फ पीओपी से, ठीक है। ये आपका सीलिंग में अगर बनाते हैं तो ये बाहर बाहर आपका कैंसिल लाइट हो जाएगा, और प्लस माइनस में बनाते हैं तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। और एक चीज और इसमें आप समझ लीजिए, आप इसको चाहें तो ये अंदर काट करके भी सीलिंग में बना सकते हैं डायरेक्ट, यानी ये बाहर लटकाने वाला नहीं, इसको अंदर करके भी बना सकते हैं तो काफी अच्छा लगेगा, ठीक है, ठीक है। तो मैंने हर चीज आपको आसानी तरीके से इसमें समझा दिया कि आप इसको कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसे बना सकते हैं, छोटा बनाए या बड़ा बनाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा समझाने का तरीका आपको कैसा लगा, तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसे लगती है। तो शुक्रिया, नेक्स्ट वीडियो के लिए।